गाइस, मैं चंदन सर आप लोगों को अपने जीएसपी खलपुड़िया चैनल पर स्वागत करता हूं। और बताते चलूं कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस का इस समय महामारी चल रहा है, तब इस साल कोचिंग चलने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। चलेगा भी तो भी आपका सिलेबस छूटेगा, इसलिए हम अपना नया चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री इसी पर स्टार्ट किए। बाकी का जो पीछे का दो चैप्टर कंप्लीट है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कुछ बचा है वो क्लास में हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा समय नहीं खाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप लोग पढ़िए, सरफेस केमिस्ट्री का नोट्स आप लोग कोचिंग से भी ले सकते हैं, या फिर मैं इसी नोट्स को ऐसे तो बोर्ड पर लिखा हूँ और आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। चंदन सिंह तोमर के नाम से फेसबुक आईडी चलता है, आप लोग चंदन सिंह तोमर जाकर फेसबुक में फॉलो करिए मुझे, या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, और उसके बाद से उसी पर आपको फोटो खींच करके मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग नोट्स ले लीजिएगा या फिर कोई काम से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो तीसरा चैप्टर है बाबू, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग का है सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ रसायन। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के नाम से ही मालूम चल रहा है कि पृष्ठ रसायन, तो इसका मतलब होता है बाबू कि देखिए पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रियाएं। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा, बताया जाता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जहां पर किसी द्रव या ठोस के सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं को पढ़ा जाता है, जो किसी ठोस या सतह के सतह। अभी सतह क्या होता है? सतह का मतलब होता है कि उसका बाहरी भाग। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देख लिया जाए कि ये अगर कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है बाबू, तो पदार्थ है तो ये वाला जो ऊपरी पोर्शन है, ये सब जो पोर्शन है बाबू, इसी को कहा जाता है सतह यानी कि सरफेस। और ये जो अंदर का पोर्शन है इसको बाबू बोला जाता है बल्क यानी बोला जाता है पिंड। ये वाला जो ऊपरी सतह है या सतह है, जैसे स्मार्कर को अगर देखिएगा बाबू लोग, देखिए ध्यान से, स्मार्कर में ये वाला जितना पोर्शन है आप लोगों का, ये सभी सरफेस है। और इसके अंदर का जो भी पोर्शन है बाबू, खोल करके दिखा दिया जाए जिस प्रकार से भी, आप लोग देखिए जो भी अंदर का पोर्शन है वो सब कहलाता है इसका पिंड। तो हम लोगों को मुख्य रूप से इसमें सतह के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से तीन प्रकार, पहले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। मतलब ठोस या सतह, बताया जाता है कि सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर स्टडी अबाउट द फिनोमिना ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, किसी भी पदार्थ के ऊपर होने वाली घटनाओं या फिर प्रक्रियाओं को पढ़ा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से चार बातों का चर्चा करना है। नंबर एक चर्चा करना है, जो कि आपके सिलेबस से बिहार बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं तो खूब क्वेश्चन लिया जाता है, ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा मन लगा दीजिएगा, कुछ है नहीं। पहला टॉपिक आप लोग का अधिशोषण और अवशोषण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड और इसको बोला जाता है बाबू एब्जॉर्प्शन, ये वाला बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम लोगों टॉपिक इसमें पढ़ना है कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिज्म के बारे में, उत्प्रेरकता के बारे में। उत्प्रेरकता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। केमिकल काइनेमेटिक्स चैप्टर जब हम पढ़ाए उस समय भी थोड़ा बहुत पढ़ना इसके बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट, आप लोग नाम पढ़े इसमें है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है कोलाइड के बारे में, इसका इंग्लिश नेम भी कोलाइड ही होता है। और चौथा हम लोगों को पढ़ना है पायस यानी इमल्शन के बारे में पढ़ना है। तो इन चारों टॉपिक को हम लोग को मुख्य रूप से कवर करना है, और भी कुछ कुछ टॉपिक जो मिलेगा उसको ध्यान दे देना है। बस केवल थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो हम लोगों का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली, ये नहीं कि पदार्थ के अंदर चले जाना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अधिशोषण और अवशोषण। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से इस चैप्टर में कि हम लोग को पढ़ना है अधिशोषण और अवशोषण। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को हिंदी में बोला जाता है बाबू अधिशोषण, ये आपका टॉपिक है, हिंदी में बोला जाता है अधिशोषण। एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण, देखा जाए बाबू तो अधिशोषण होता क्या है। चलिए बाबू, तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, एकदम से थ्योरेटिकल, मतलब इस चैप्टर में आप लोग को न्यूमेरिकल से भेंट नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का ये आपके किताब का चौथा चैप्टर है, और आप लोग का मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल आप लोग का मुख्य रूप से वो सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन में,
और आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल काइनेमेटिक्स 4 चैप्टर में मिलेगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरी को ध्यान से समझिए, याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अधिशोषण के बारे में बात किया जाए तो बताया जाता है कि वैसी देखिए बताया जाता है कि जब किसी भी द्रव या ठोस के सतह पर कोई भी अणु या कण आकर के चिपकने लगते हैं या फिर जमने लगते हैं सतह पर, ये नहीं कि अंदर केवल सरफेस पर, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। जैसे देखा जाए कि ये बाबू आपका बोर्ड हो गया और इसी बोर्ड पर हम इंक से लिख रहे हैं, तो इंक फाड़ के अंदर नहीं खुल जाता है, तब तो एक ऊपरे बैठे तो अंदर जात नहीं थे, तो अंदर नहीं जा रहा है, केवल सरफेस पे हो रहा है। तो जब अगर इस सरफेस पे हो रहा है तो ये आपका सरफेस पे है, तो सरफेस केमिस्ट्री का तो है ही, ये कहलाएगा अधिशोषण। परिभाषा आप लोगों के लिए नीचे लिख दिए हैं आसानी से, देखिए अधिशोषण एब्जॉर्प्शन बताया गया कि छोटे छोटे अणु या कण को किसी द्रव या ठोस के सतह पर चिपकने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। छोटे छोटे अणु या कण को किसी द्रव या ठोस के सतह पर चिपकने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, आप लोग दैनिक जीवन में रोज इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, इतना कोई बड़का भर्ती नहीं है। आप दिन भर घूमते हैं खेलते हैं, शरीर पर आपके मैल का चिपकना, शरीर पर मैल, शरीर पर बहुत आदमी जो होता है मैल रहता है, साबुन से छुड़ाते हैं तो जो मैल लगता है, तो शरीर पर मैल जो है वो एक प्रकार का अधिशोषण है, शरीर पर मैल का चिपकना अधिशोषण है। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर आपके इंक का स्मार्कर का चिपकना, ये बोर्ड पर जो इंक चिपक रहा है ये भी आपका अधिशोषण का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मान लीजिए बोर्ड पर इंक। तीसरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है बाबू? सिलिका जेल का मतलब होता है थर्मोकोल। थर्मोकोल आप लोग देखे होंगे, थर्मोकोल जनरली जो होता है आप लोग का टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह को उसी में रख करके लाया जाता है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए कि विद्युतीय उपकरण को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को क्यों थर्मोकोल के अंदर पैक किया जाता है? तब बाबू थर्मोकोल ऐसा पदार्थ हटे जो अपना ऊपर सब चीज के रोक लेवेला, भीतर ना जाए देवेला, तो इसलिए उसका नाम है थर्मो एंड कूल, यानी ताप और ठंडा दोनों से आपका मदद करता है, तो थर्मोकोल इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि दैनिक जीवन में आप लोग देखते जाइएगा, समझते जाइए। 3 एग्जाम्पल जरूर दिमाग में रखिए, शरीर पर मैल का चिपकना, बोर्ड पर इंक का चिपकना, आपका थर्मोकोल जो सिलिका जेल है वो आपका तापमान को ऊपर से अवताप को चाहे जो भी हीट है उसको अवशोषित कर लेता है। इन तीनों एग्जाम्पल को आप लोग दिमाग में रखिएगा। और आज का आप लोग का ये होमवर्क भी है कि क्वेश्चन आएगा कि विद्युतीय उपकरण के लिए क्यों, विद्युतीय उपकरण के लिए क्यों, ठीक है ना, सिलिका जेल यानी थर्मोकोल अगर बोला जाए तो सिलिका जेल का प्रयोग होता है, सिलिका जेल का प्रयोग होता है। तो ये आपका टॉपिक है जो कि आपको करके लाना है कि विद्युतीय उपकरण के लिए क्यों सिलिका जेल का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके बाद देखिएगा यहां से कोई समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये भी कोई अगर आपका पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये इसका सरफेस हो गया, ऊपर वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस है, ये पिंड है, तो अगर कोई पदार्थ आकर के इस सरफेस पर ऐसे ऐसे अगर चिपकने लगता है, ये जो प्रोसेस है मतलब इसके सरफेस पर आ गया और ये चिपकने लगा, जैसे मान लीजिए यही कोई पदार्थ है, इसके पिंड पर ना यहाँ पर कोई वस्तु आकर के चिपकने लगा, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। इसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करते हैं जब अंतर से जानेंगे। और ये भी आपका बाबू है अधिशोषण। अच्छा, अब ये रहा सवाल कि अधिशोषण जो आप लोग का है वो आप लोग का हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का विषमांगी प्रक्रिया है। ये नहीं समझ लेना है कि जब चिपका तो सब जगह चिपकेगा, बोर्ड पर कहां सब जगह लिखा गया है, मैल चिपकता है तो कोई जरूरी है कि यहां मैल होगा, यहां पे मैल होगा, यहां पे होगा, यहां पे ना होगा, तो ये जो प्रक्रिया है कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एक समान हो, कहीं हो भी सकता है, एक ही पदार्थ में कहीं नहीं भी हो सकता है, तो एक जैसा नहीं होता है, ये आपका विषमांगी प्रक्रिया है। फिर हम लोग पीछे से आ रहे हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अधिशोषण की प्रक्रिया में अगर आप ध्यान दे दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा तो होता क्या है, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है। तो देखिए बाबू, ये आपका कोई सरफेस हो गया, ये आपका कोई सरफेस हो गया,
सरफेस में आपका बाप यहाँ पर अवशोषण में मान लीजिए यहाँ पर कोई धूल के ये कण हो गए, ये आपका कोई भी कण हो गया, ये आपका कण आ गया, ये आपका कण आ गया, यहीं पे कण आ गया, यहाँ पे कण आ गया, ये आपका धूल का कण आ गया, जो भी है आपका मान लीजिए कोई कण है और ये आपका कोई ठोस है, ठोस पदार्थ है, तो ये जो कण है ये आकर के इस पर चिपक रहा है, ये अपने पर चिपकवा रहा है। तो दूसरा बात आता है यहां से आप लोग का आता है अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक, एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्बेंट। तो अधिशोष्य अगला परिभाषा आता है कि अधिशोष्य किसे कहते हैं, कई बार परिभाषा पूछ लिया जाता है दिमाग में, तो बताया जाता है कि जब किसी ठोस या द्रव के सतह पर जो कण आकर के चिपकते हैं, जो चिपकते हैं वो कहलाता है अधिशोष्य। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख भी दिए है, कैमरा मैन आ रहा है ना नीचे वाला, अधिशोष्य बताया गया कि वे छोटे छोटे कण जो किसी ठोस के सतह पर चिपकते हैं, वे छोटे छोटे कण जो किसी ठोस के सतह पर आकर के चिपकने लगते हैं तो उसको बोलते हैं अधिशोष्य, और जिस पर चिपकते हैं उसको बोला जाता है अधिशोषक। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोर्ड और इंक में कौन अधिशोष्य और कौन अधिशोषक है, तो देखा जाए कि ये बोर्ड जो आप लोग का है ये आप लोग का अधिशोषक है, क्योंकि इस पर आकर के इंक चिपक रहा है और इंक जो है वो आप लोग का अधिशोष्य है। ये वाला ये आपका बोर्ड आपका शरीर पर मैल का चिपकना, तो शरीर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शरीर और यहां से मैल, तो आपको यहाँ पे बताना है इसमें अधिशोष से कौन अधिशोषक कौन, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा अधिशोष है और कौन सा अधिशोषक है। तो अधिशोष और अधिशोषक तो हम लोग अभी तक पढ़े गया, फिर से एक बार बता देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। हमने बताया कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो हमने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर चार पांच टॉपिक को पढ़ना है, जैसे अधिशोष्य और अधिशोषण और आप लोगों को अवशोषण के बारे में चर्चा करना है, फिर हम बताएं कि उत्प्रेरकता के बारे में पढ़ना है, फिर हम इसी क्लास में आप लोगों को उत्प्रेरकता के बारे में आपको बताएं कि कोलाइड के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग को इमल्शन यानी पायस के बारे में पढ़ना है। आज का जो टॉपिक था वो हम लोग का अधिशोषण है। तो अधिशोषण जब हमने स्टार्ट किया तो बताया कि जब किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर कोई कण आकर के चिपकने लगे तो उसको बोलते हैं अधिशोषण, और इसके बाद से अधिशोष्य और अधिशोषक, जिस पर आके चिपक जाए उसको कहते हैं अधिशोषक, और जो जा सटी वो कहलाता है अधिशोष्य। इसके बाद से हम लोग का मेन जो टॉपिक आता है इसके बाद से डिसॉर्प्शन, जिसको कहते हैं विशोषण, अधिशोषण का ठीक उल्टा। इसके बाद से हम लोग का डिफिनिशन जो आता है शॉर्ट डिफिनिशन है, तो शॉर्ट डिफिनिशन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो हम लोग का जो शॉर्ट डिफिनिशन आता है वो आता है विशोषण, विशोषण इसको बोला जाता है डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन विशोषण। बताया जाता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक को हटाने की प्रक्रिया को, या फिर मान लीजिए उसे को हटाने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहा जाता है, विशोषण कहा जाता है। बोला जाता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक को हटाना, जैसे आपके शरीर पर मैल लगा है साबुन लगा लीजिए, मैल साफ हो गया, जैसे बोर्ड पर इंक लगा है तो हम इसको ऐसे मिटा दीजिए, ये हो गया आपका विशोषण। तो बहुत ही आसान डिफिनीशन है विशोषण, तो चार डिफिनीशन जरूर दिमाग में रखना है। सबसे पहले अधिशोषण, जब किसी ठोस या द्रव के सतह पर चिपकना, उसके बाद अधिशोष्य जो जा करके चिपके, अधिशोषक जिस पर चिपके, और उसके बाद हमने बताया विशोषण डिजॉर्प्शन। तो विशोषण के बारे में बताया जाता है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक को हटा दिया जाए, मतलब अधिशोषण का उल्टा। इसके बाद से आप लोग का ये आपको बता दें कि यही हम लोगों का नोट्स है जो आपको ले लेना है कोचिंग से, इसमें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा बोर्ड पर राइटिंग इतना अच्छा नहीं बैठता है, इसलिए हम उतना बोर्ड पर मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आता है ऑकुलेशन, ऑकुलेशन को हिंदी में बाबू बोला जाता है, आप लोगों को हिंदी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर ऑकुलेशन को ऑकुलेशन ही बोला जाता है कि जब किसी भी ठोस या धातु की सतह पर, जब किसी ठोस
या धातु, जनरली जो धातु होगा वो आपका टीएम होगा। टीएम का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु। जब किसी ठोस या धातु की सतह पर कोई गैस, गैस का चिपकना या गैस का जमना जो होता है, गैस का चिपकना वो आप लोगों का कहलाता है ऑक्युलेशन। जनरली ऑक्युलेशन गांव में जो है आप लोगों को नहीं देखने के मिलेगा, लेकिन जनरली आप लोग देख सकते हैं। कभी काल लोहार के पास जाइएगा तो लोहा हुआ है वहां पे, हम लोग जो कुदाल उदाल पिटवाते हैं तो उस पर जब हम लोग पानी छींटते हैं तो कुछ गैस वहां पर अवशोषित होता है, हल्का सा मात्रा होता है, वो आपका ऑक्युलेशन हो गया। ऑक्युलेशन जो होता है जनरली ट्रांजिशन मेटल वाले धातुओं पर होता है, डी ब्लॉक के तत्वों पर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसमें सबसे बढ़िया जो गैस है ऑक्युलेशन वो चिपकता है हाइड्रोजन, फिर आपका आता है ऑक्सीजन, फिर आप लोग आता है नाइट्रोजन। तो सबसे बेस्ट अगर ऑक्युलेशन में अगर एक नंबर ये आ जाए तो आपको हाइड्रोजन को टिक करना है, पानी में यह भी रहता है H2O, तो हाइड्रोजन जो रहता है यहां से हुआ ऑक्युलेशन। अब हम लोगों का जो अगला वीडियो, अगला जो क्लासेज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं बढ़िया करने के लिए, मेरे पास सिस्टम नहीं है इसलिए ऐसे ही चला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इसी में इंप्रूवमेंट होगा, बस आप लोग के साथ चाहिए। धन्यवाद।